वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम और एक वीडियो बनाने वाला है जो थाई ऑल टाइम वैरायटी। ये देखिए थाई ऑल टाइम मैंगो कितना अच्छा वाला प्लांट है। देखिए पूरा झाड़ी की तरह इसमें पकड़ चुका है। देखिए अभी इसमें एक बार फ्रूट ख़त्म हो चुका है, लेकिन दूसरा फ्रूट फिर शुरू हो गया। जो पहले एक वीडियो बनाया था फुलवर था तब, और बड़ा वाला फ्रूट था, लेकिन अभी वो फ्रूट हम लोग तोड़ लिया और ये जो दूसरा फ्रूट चालू हो गया। देखिए और जो तीसरा फ्रूट आएगा उसमें ये फ्लावर दे चालू हो गया। देखिए ये फ्रूट जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद ये फ्रूट चालू हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा वाला ये प्लांट है। ये प्लांट आप कच्चे में खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, मीठा है प्लांट, खाने के लिए बहुत मीठा है। हम एक फ्रूट तोड़ के हम खा के दिखाते हैं कितना अच्छा वाला है प्लांट फ्रूट है। देखिए इधर आइए, ये देखिए ये जो दो फ्रूट है इसमें हम एक फ्रूट तोड़ के खा कर दिखाते हैं कितना अच्छा वाला ये फ्रूट है। पूरा मीठा है, खाने के लिए बहुत मीठा है, लेकिन पकने के बाद तो आप लोग तो पता है कितना अच्छा लगता है, लेकिन कांचे में जो फ्रूट मीठा होती है वो पकने के बाद बहुत अच्छा मीठा होता है। बहुत अच्छा वाला ये प्लांट है। आप लोग चाहे तो जल्दी से प्लांट ऑर्डर कर सकते हो। देखिए हमारा जो मदर प्लांट है उसका सही है गलत है, इसलिए मदर प्लांट बनाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो गया। जब फ्रूट पका चुका है, साल में 3-4 बार आपका फ्रूट मिल, फ्रूट इसमें ख़त्म नहीं होती है, मतलब इसलिए दे रही है। हाँ तो इधर मैंगो लगा हुआ, इस तरफ मैंगो एक बार ख़त्म हो गया, इधर नया ये दूसरा मैंगो है और ये फ्लावर आकर तीसरा मैंगो चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होती है, नया पत्ता निकल रही है। इसके साथ साथ भी एक फ्लावर भी निकल चुका है। देखिए मतलब सालों भर इसमें हाँ फ्रूट ख़त्म नहीं होता। देखिए हम लोग ये प्लांट गलत है सही है, इसलिए प्लांट मदर प्लांट बनाया है। और इसमें डाली काट के भी हम ग्राफ्टिन जो बनाते हैं, इसमें कुछ दिन बाद इसमें ग्राफ्टिन भी बनाने के लिए प्लांट हम लोग कुछ डाली काटना पड़ता है। देखिए पूरा साइड घुमा के दिखाता हूँ, इधर आइए। देखिए मैंगो का सबसे अच्छा वाला वैरायटी है, मैंगो वैरायटी है थाई ऑल टाइम है। ये काठी मनी भी बोला जाता है, काठी मनी बोलते हैं हम लोग। देखिए सभी जगह में फ्रूट है, फ्लावर भी है। देखिए किसान भाई के लिए बहुत अच्छा वाला ये प्लांट है। इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है लगभग आपका पाँच फ्रूट देखे 1 केजी तक आता है। ठीक है, मतलब इसका 200 ग्राम तक। देखिए सभी जगह में फ्रूट चालू हो गया। देखिए अभी प्लांट छोटा है, लेकिन डाली मिट्टी की तरफ जा चुका है। देखिए मिट्टी की तरफ जा चुका है। देखिए अभी गर्मी ज़्यादा चल रही है, इसलिए कुछ प्लांट खराब हो चुका है, नीचे में गिरा हुआ है। ये सब देखिए, ये सब नीचे में गिरा हुआ है, खराब हो गया मौसम। अभी गर्मी चल रही है, ये बारिश चालू हो जाएगा तो इसमें फ्रूट खराब नहीं होता। ये प्लांट चाहे तो आप लोग जमीन में भी लगा सकते हो, और जो गमले में कुछ कुछ आदमी लगाते हैं छत के ऊपर वो भी लगाओगी तो अच्छा होता है। देखिए मैंगो का सबसे अच्छा वैरायटी और किसान भाई के लिए बहुत अच्छा वाला वैरायटी, क्योंकि किसान भाई चाहते हैं एक एक सीजन में एक एक दाम रहता है, लेकिन जब मैंगो का ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन में अगर इस तरफ का मैंगो आप लोग मार्केट के बेचने के लिए लेके जाओगी तो सोचिए कितना अच्छा वाला प्राइस मिलता है। इसलिए ये वाला प्लांट सबसे अच्छा वाला प्लांट है। अभी साल भर में इसमें फ्रूट चलती रहेगा। अगर ऑक्सीजन में इस तरफ का फ्रूट आपका प्लांट में रहेगा
तो सोचिए मार्केट में बेचने के लिए कितना प्रॉफिट मिलता है। इसलिए आपका ये प्लांट ऑर्डर कीजिए, हमारा पास ये प्लांट अवेलेबल है। मैंगो का बहुत सारी आइटम है, लेकिन सबसे अच्छा वाला खास आइटम ये जो कटी मनी आइटम, इसका बाद भी आएगा बारी 11, बारी 4 बनाना, वो वाला भी प्लांट अच्छा है, लेकिन सबसे खासियत अच्छा वाला प्लांट है ये कटी मनी मैंगो। मतलब कम रेट में, हाँ कम प्राइस में आपका ये प्लांट मिल सकता है। देखिए सबसे अच्छा वाला ये प्लांट है कटी मनी मैंगो। इस प्लांट का खासियत एक ही होता है, जो कांचे में मीठा लगता है। आप लोग चाहे तो जो आपका जो गमले में लगाते हैं 20 लीटर 30 लीटर जो गमला होती है उसमें लगाएगा तो अच्छा होता है, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट बड़ा आने के लिए टाइम लगता है। जब टाइम लग जाएगा उसके आपका 4-5 साल इसका आपका गमले में लगा सकते हो, रख सकते हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए किसान भाई के लिए अच्छा है, और जो साथ में लगाते हैं गमले में वो वाला भी अच्छा होता है। तो दोस्तों जल्दी से प्लांट ऑर्डर कीजिए, अभी इसका सीजन भी चालू हो गया, क्योंकि अभी जून मास चल रही है, बाहर में बारिश भी चालू हो गया, क्योंकि ज़मीन में लगाने के लिए जब बारिश होता है, क्योंकि उधर में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, इसलिए आपका 12 से 15 के अंदर आपका बारिश चालू हो जाएगा, और बारिश जब चालू होता है उसके बाद आपका सीजन भी चालू हो जाता है। इसलिए जल्दी से ये प्लांट ऑर्डर कीजिए, हमारा पास ये प्लांट अवेलेबल है। अभी इसमें प्राइस सस्ते में रहता है, क्योंकि जब इसका पूरा सीजन चालू हो जाएगा उसके बाद आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसलिए अभी ऑर्डर कीजिए, आपके आपका एक ही लाभ होगा, उसका कम प्राइस में मिल जाएगा। इसलिए अभी इसका प्लांट का ऑर्डर कीजिए।